पब्लिक टीवी आपकी आवाज। राष्ट्रीय पर्व होली समिति मुरादाबाद के तत्वाधान में विगत 80 वर्षों की भांति इस वर्ष भी रंगारंग एकादशी शोभा यात्रा रविवार को खत्री धर्मशाला बाजीगिरान से प्रारंभ होकर मंडी चौक, अमरोहा गेट, चमुक्का फूल, गंज गुलट्टी होते हुए बुद्ध बाजार पुलिस चौकी पर संपन्न होगी। शोभा यात्रा में बाहर से आए कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी व शोभा यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए कार्य का विभाजन किया गया। सभा में सर्व आजाद कुमार टंडन, विजय कुमार टंडन, राकेश कुमार टंडन, दिनेश टंडन, मोहन मल्होत्रा, कुलदीप टंडन, कृष्ण मुरारी त्रिपाठी, मुकेश टंडन, बाबा संजीव अकांक्षी, सचिन टंडन, वरुण टंडन, बाबा संतराम दास, दीपू टंडन, सुधीर पाठक, नितिन टंडन, अजय टंडन आदि लोग भारी संख्या में रहे मौजूद। 81 शोभा यात्रा 17 मार्च को निकाली जाएगी, उसके संबंध में ये बैठक यहाँ पर संपन्न हो रही है। हाँ, ये प्रत्येक वर्ष शोभा यात्रा निकाली जाती है और ये 81वीं शोभा यात्रा है। इससे 80 वर्ष पूर्व से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। अच्छा, इसमें कुछ विशेष शोभा यात्रा? शोभा यात्रा का विशेष उद्देश्य यही है कि जो पूरे वर्ष के बीच में जिन लोगों के यहाँ शोक होता है तो इस 81 के दिन ही ये शोक उठाया जाता है और इसे शोक उठावनी 81 के नाम से भी जानते हैं। शोभा यात्रा के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है, संपूर्ण तैयारियाँ हो गई हैं। शोभा यात्रा में 8 झांकी, 6 ढोल, 2 बैंड, 3 बग्गी, 4 घोड़सवार पर पात्र होंगे। इसके अलावा राधा कृष्ण की फूलों वाली झांकी और भारत माता की झांकी जो है मुख्य आकर्षण रहेगी जुलूस का। खत्री धर्मशाला बाजीगिरान से ये शोभा यात्रा निकाली जाती है प्रत्येक वर्ष और बुद्ध बाजार पुलिस चौकी पर जाकर ये संपन्न होती है।